हैदराबाद में पुलिस ने एनकाउंटर करके चारों बलात्कार आरोपियों को मौत की नींद तो सुला दिया, लेकिन अब आगे क्या होगा तो सुनिए। अब सबसे पहले उठेगा इस एनकाउंटर की सच्चाई पर सवाल, और इसलिए अब इस पूरे मुठभेड़ की मजिस्ट्रेट जांच हो सकती है। हालांकि पुलिस के विस्तृत बयान पर भी सबकी नजर रहेगी। अब हैदराबाद पुलिस को मीडिया के साथ ही कोर्ट के सामने कई सवालों के जवाब देने होंगे, जिनमें किन हालात में एनकाउंटर किया गया, रिक्रिएट के दौरान पुलिस कस्टडी में आरोपी कैसे भागने लगे, आरोपी अगर भाग रहे थे तो पहले उनके पैर में गोली मारी गई थी या नहीं, जैसे सवाल शामिल हैं। एनकाउंटर पर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी का रुख भी सख्त है। ओवैसी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार हर मुठभेड़ की जाँच की जानी चाहिए। इस मामले में राज्य सरकार बहुत सक्रिय थी। ओवैसी ने मुख्यमंत्री के बयान का जिक्र करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने कहा था कि ये लोग जानवर बन गए हैं, हमें शॉर्ट टर्म उपाय नहीं करना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा था कि हमें महिला सुरक्षा के लिए अनुकूल माहौल बनाने की जरूरत है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद अगली ही सुबह आरोपियों को एनकाउंटर में ढेर कर दिए जाने की खबर आई। अब एनकाउंटर के बाद बॉलीवुड, सोशल मीडिया, दक्षिण भारतीय मीडिया, NGO और अलग अलग जगहों से अलग अलग तरह की आवाजें आनी शुरू हो चुकी हैं। जाहिर तौर पर अगले एक हफ्ते तक एनकाउंटर की पड़ताल, इसकी खूबियों, इसकी गलतियों और बाकी बातों पर खूब बहस चलेगी। यानी एनकाउंटर को लेकर ये डिबेट इतनी आसानी से खत्म नहीं होने वाली। इंडिया न्यूज़ वाराणसी की रिपोर्ट।